तो आईएसएल सीजन 8 का मैच नंबर 38 होने जा रहा है चेन्नई एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर एफसी। साउथर्न डर्बी आप लोग कह सकते हो। शाम 7:30 बजे से तिलक मैदान स्टेडियम पर मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहते हो उस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार जियो टीवी और ऑन फुटबॉल पर देख सकते हो। इसके अलावा आप अगर टीवी में देखना चाहते हो तो आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क फॉलो करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इस मैच के प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोनों टीम का स्टेक्स बताऊंगा, किस तरीके का लाइनअप होगा, क्या रहेगा विनिंग परसेंटेज और कौन सा खिलाड़ी बन सकता है इस मैच पे की खिलाड़ी, इन सभी के ऊपर हम लोग एकदम फुल्ली डिस्कशन करेंगे। तो आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो इस मैच पे एक तरफ है चेन्नई एफसी जो कि लास्ट मैच पे 2-1 से जीत कर आ रहा है और इस एफसी के खिलाफ, दूसरी तरफ केरला ब्लास्टर एफसी भी भाई लीग के टॉपर को हरा कर आ रहा है। मुंबई सिटी एफसी को 3-0 से हरा कर आ रहा है। तो दोनों के पास ही भाई अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहेगा और दोनों के बीच हम लोग एक बहुत ही बड़ा मुकाबले के उम्मीद रखेंगे, क्योंकि ये मैच मुझे तो लग रहा है कि भाई बहुत ही वाइटल होगा दोनों के लिए ही। अगर चेन्नई एफसी यहाँ पर जीतता है तो भाई वो पॉइंट टेबल में और भी ज़्यादा पकड़ बना लेगा टॉप फोर में, और केरला ब्लास्टर एफसी अगर जीत लेता है तो उनके पास भाई टॉप फोर का दरवाज़ा और भी आसान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा टीम परफॉर्मेंस करता है। यहाँ पर चलिए हम दोनों टीमों का एक बार स्टेक्स फटाफट देख लेते हैं। तो केरला ब्लास्टर एफसी लास्ट मैच पे मुंबई सिटी एफसी को 3-0 से हरा कर आ रहा है और अभी तक भाई 5 मैचों में वो अनबीटन रहा है। एटीके मोहन बगान के खिलाफ पहले मैच पे हारने के बाद केरला ब्लास्टर एफसी अभी तक एक भी मैच हारा नहीं है, तो एक अच्छा फॉर्म से गुजर रहा है, अच्छा मोमेंटम से गुजर रहा है और लास्ट मैच पे भी भाई और भी अच्छा मोमेंटम उन्होंने पकड़ लिया है मुंबई सिटी एफसी को हरा कर। और साथ साथ भाई हैदराबाद एफसी भी 5 अनबीटन मैचों की स्ट्राइक लेकर चल रहा है, तो दोनों के बीच अभी भाई अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि हैदराबाद एफसी भी एक बहुत ही बढ़िया टीम है, दूसरी तरफ केरला ब्लास्टर एफसी भी भाई अच्छा खासा नजर आ रहा है। लेकिन ये मैच होगा भाई केरला ब्लास्टर एफसी के साथ चेन्नई एफसी के। यहाँ पर हैदराबाद एफसी का जो स्ट्रीक है भाई वो केरला ब्लास्टर एफसी के स्ट्रीक के तरह ही है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर हैदराबाद एफसी के बारे में बताया है। तो केरला ब्लास्टर एफसी ज़्यादातर भाई अटैकिंगली बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। उनका लास्ट मैच पे भाई दया जो और अल्वारो वास्क्वेज दोनों ने आग लगा दिया था, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चांस क्रिएट कर रहा था और गोल भी दागा था, 3-3 गोल उन्होंने दागा था। तो ये दोनों जो है भाई अपने अफ्रन में वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस फिर से इस मैच पे डाल सकता है और यहाँ पर चेन्नई एफसी के डिफेंस को और भी ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा। केरला ब्लास्टर एफसी का डिफेंसिव लाइन भी भाई बहुत ही बैलेंस हमें नज़र आ रहा है, उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इनके टीम में और केरला ब्लास्टर एफसी मुझे लग रहा है कि चेन्नई एफसी के अटैक को मैनेज कर सकता है। इसके बाद अगर मैं चेन्नई एफसी की बात करूँ तो चेन्नई एफसी का भी भाई जो अटैक है वो बहुत ही सॉलिड नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके पास भाई ज़्यादातर विदेशी खिलाड़ी ही मौजूद है अपने अटैकिंग लाइन पर। केरला ब्लास्टर एफसी के पास भी विदेशी खिलाड़ी है और चेन्नई एफसी के पास भी विदेशी खिलाड़ी है और डिफेंसिवली चेन्नई एफसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी ऑलरेडी पता है कि चेन्नई एफसी इस सीजन का बेस्ट डिफेंसिव लाइन है और बहुत ही बैलेंस टीम है चेन्नई एफसी। तो चेन्नई एफसी अभी तक भाई बहुत ही अच्छा खेला है। अपना जो दूसरा मैच था नॉर्थन एडिलेड एफसी के खिलाफ, वहाँ पर भाई दो इंडियन गोल स्कोरर था अनिरुद्ध थापा और छंगटे, ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, साथ साथ विदेशी खिलाड़ी का भी भाई मदद आ रहा है। तो दोनों ही टीम बहुत ही सॉलिड नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि इस मैच पे हमें एक बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, मुकाबले यानी कि एक बराबरी का सिचुएशन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि क्या करता है दोनों टीम, लेकिन मैच बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों का क्या हेड टू हेड मामला रहा है। तो अभी तक दोनों के बीच टोटल 16 मैच हुआ है, 16 मैचों में से चेन्नई एफसी ने 6 पर जीत हासिल किया है, केरला ब्लास्टर एफसी ने 3 पर जीत हासिल किया है, 7 मैच ड्रॉ हुआ है। इसके बाद अगर टीम न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो चेन्नई एफसी अपना जो मेन खिलाड़ी है भाई, जो मेन मिडफील्डर है मैजिशियन राफेल क्रिवेल्लर को यहाँ पर मिस करेगा क्योंकि वो अभी तक फिट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से राहुल केपी, एल्विनो गोम्स और एना सिपोबी के तीनों खिलाड़ी इंजर्ड है, लेकिन जो दयाज है भाई वो लास्ट मैच पे केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से खेलते हुए इंजर्ड हो गया था, एंकल इंजर्ड था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से उभर चुका है और इस मैच के लिए अवेलेबल है, जो कि एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है क्योंकि अल्वारो वास्क्वेज और इनका जो जोड़ी है दयाज का वो बहुत इफेक्टिव रहा है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के लाइनअप के बारे में। तो चेन्नई एफसी की अगर बात किया जाए तो इनके फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि 3-5-2 हो सकता है, क्योंकि लास्ट कुछ मैच में इस तरीके का ही हमें नजर आया है। आज गोलकीपर यहां पर रहेगा विशाल काइत, उसके बाद बोरिसियुक, दमजनोविक, नारायण दास, कोमान, रेंगन, लालिंग ज्वाला, थापा, जर्मनप्रीत, मुरजाएब और छंगटे।
नेक्स्ट अगर केरला ब्लास्टर्स एफसी की बात किया जाए तो इनका फॉर्मेशन 4-4-2 रहेगा, क्योंकि इस तरीके का ही नजर आ रहा है हमें कुछ मैचों पे। इनके गोलकीपिंग में रहेगा प्रभ सुखन गिल, इसके अलावा खबरा रुईवा, लेस्कोविक, जैसेल, जिक्सन, पुटिया, साहल, दयाज, लूना और वाजकेज मौजूद होगा। नेक्स्ट इसके बाद चलिए हम की खिलाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से चेन्नई एफसी की तरफ से की खिलाड़ी रहने वाला है भाई कोमैन को एज ए के खिलाड़ी मैं चेन्नई एफसी के लिए पिक कर रहा हूँ, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है कुछ मैचों पे, इसीलिए मैं चेन्नई एफसी के लिए कोमैन को चूज कर रहा हूँ। एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है सभी खिलाड़ियों के बारे में। और केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए मेरा पिक रहेगा भाई अल्वर वाजकेज अगर भाई स्कोर कर देता है तो केरला ब्लास्टर्स एफसी का मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नया पार लग सकता है। तो ये रहा मेरी तरफ से दोनों टीमों का की खिलाड़ी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। तो पहला फैक्ट यही कि भाई मैंने आपको पहले भी बता दिया कि केरला ब्लास्टर्स एफसी अभी तक 5 मैचों में हारा नहीं है, लास्ट 5 मैच अनबीटन स्ट्राइक उनका रहा है, और जो कि जॉइंट लॉन्गेस्ट है दिस सीजन हैदराबाद एफसी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट यही कि भाई चेन्नई एफसी और केरला ब्लास्टर्स एफसी का जो लास्ट मैच हुआ था वहां पर एनएसएफ भी खेल रहा था चेन्नई एफसी की तरफ से, जो कि अभी शिफ्ट हो चुका है केरला ब्लास्टर्स एफसी में, और उस मैच पर उन्होंने रेड कार्ड भी भाई पिक किया था। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो फैक्ट है भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चेन्नई एफसी इस सीजन सबसे कम गोल लगाया है, सिर्फ 6 गोल अभी तक उन्होंने लगाया है, और सबसे कम गोल कॉन्सीड भी उन्होंने किया है, सिर्फ 4 गोल उन्होंने कॉन्सीड किया है। तो एक बहुत ही दमदार और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। और इसके बाद चलिए हम विनिंग परसेंटेज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मैच पे लग रहा है कि केरला ब्लास्टर्स एफसी जीत सकता है, केरला ब्लास्टर्स एफसी का जीतने का चांस रहेगा 60%, चेन्नई एफसी का 40%। लेकिन फुटबॉल का मैच है भाई, कुछ भी हो सकता है, कभी मेरा प्रिडिक्शन लग रहा है, कभी मेरा प्रिडिक्शन फॉल्स हो रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि कौन इस मैच को जीतेगा। फिलहाल के लिए वीडियो कहीं पर एंड कर रहा हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।